तो हेलो गाइस, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये जो बाइक है अपनी, इसको ख़रीद के अपने हो चुके हैं पूरे 2.5 साल। तो वीडियो देखने से पहले गाइस, इस बाइक का सिनेमैटिक एंजॉय करें आप लोग। मैं इस बाइक का क्विक रिव्यू एक देने वाला हूँ आपको, ताकि यह पता चलेगा आपको बाइक बाइक कैसी है, आपके लिए ठीक है, कंफर्टेबल है, या आप इसको ख़रीदना चाहते हैं। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है कि इस बाइक के प्रोस और कॉन्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है ये बाइक ख़रीदने से पहले। तो फिर सबसे पहले अपन चालू करते हैं इस बाइक के प्रोस से। तो इस बाइक का सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को पसंद आई वो है इस बाइक का जो है बॉडी, ठीक है, जो पूरी तरीके से बनी हुई है मेटल से, ठीक है, जैसे कि ये मड गार्ड हो गया, ये टैंक हो गई, ये इंजन गार्ड हो गया, ये साइड गार्ड हो गए, ये सब चीज़ें मैक्सिमम जो है मेटल से बनी हुई है। जस्ट रेयर पार्ट जो है फाइबर का यूज़ किया है, जैसे कि सब बाइक्स में होता है, ठीक है, ये इसका बहुत अच्छा पॉइंट है। सेकेंड थिंग इस बाइक का बहुत अच्छा है वो है माइलेज, ठीक है, जो ये गाड़ी मेरे को एवरेज दे रही है ना, वो 52-53+ है, जिसे भी कि बहुत, मैं 150 cc सेगमेंट में बहुत अच्छा माइलेज दे रही है मेरे को ये, उससे ज़्यादा ही हो 55 ही पकड़ लो मैक्सिमम हाईवे वगैरह पे। और अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह जा रहे हो तो बेसिकली 50 के नीचे ये आपको माइलेज देगी नहीं, ठीक है, अगर डिसेंटली आप इसे चला रहे हो, रफ एंड टफ चला रहे हो, तो फिर कोई भी बाइक आपको देने नहीं वाली, चाहे वो स्प्लेंडर क्यों ना हो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है दोस्तों इस गाड़ी का फ्रंट लुक, ठीक है, तो इस फ्रंट लुक देख सकते हैं आप, इस गाड़ी का जो DRL है कितना सुंदर है जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और मेरे को बहुत पसंद है इस गाड़ी का फ्रंट लुक के देख के ही मैं गाड़ी को पसंद किया हूँ, बाकी मैंने कुछ देखा नहीं इस गाड़ी में। एंड मैं आपको इसको सेंटर का प्रोजेक्टर लैम्प भी लगा दिखाता हूँ, देखिए काफ़ी अच्छा है, पावरफुल है, नाइट विजन भी अच्छी है, क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों इस गाड़ी का जो है ब्रेक पैड, ठीक है, तो ब्रेक पैड मैंने अभी रिसेंटली चेंज किए हैं, जस्ट अभी ही चेंज किए हैं, एंड मैं चेंज करने के बाद जस्ट अपनी गाड़ी को पॉलिश वगैरह वॉशिंग वगैरह करके ये व्लॉग बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो फिर ये जो ब्रेक पैड है, तो फ्रेंड्स ये जो ब्रेक पैड हैं गए हैं पूरे मेरे को 10 महीने, ठीक है, तो डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करते हो। अगर आप कंटिन्यूसली अगर अपना पैर जो है ब्रेक रख रहे हो ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा कि जब गाड़ी रनिंग कर रही होगी तो डिस्क जो है गर्म होगी, उस हिसाब से क्या हो जाएगा कि जो आपका पैड है ना वो धीरे 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 ख़त्म होने लगेंगे। तो मोस्टली ये बहुत लोगों का चांसेस है कि 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में ख़राब हो जाए, लेकिन आप डिसेंट तरीके से चला रहे हो ना, तो फिर ये बहुत लंबे टाइम तक जाएगा आपको, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट दोस्तों ये है कि इस गाड़ी का जो टायर देख सकते हैं आप, मैंने चेंज करा है रिसेंटली, अराउंड 18,000 किलोमीटर में मैंने चेंज किया है। तो जो शोरूम ने टायर दिए थे मेरे को, बैक एंड फ्रंट जो भी दिए थे, बहुत अच्छे दिए थे मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो मेरे को गए हैं 18,000 किलोमीटर, जिस हिसाब से मैंने राइड किया है ऑन रोड ऑफ रोड। एंड जो फ्रंट टायर है अभी भी शोरूम का ही है, एंड ये भी चेंज करने को आ चुका है, तो फिर इसको भी जल्दी चेंज करेंगे। और अपनी गाड़ी जो है मैं आपको बता दूँ कि रिसेंटली ये जा चुकी है, आप देख पा रहे हैं, तो 20,628 किलोमीटर। तो फिर इस गाड़ी को, इस टायर को यूज़ करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने इसे 2,500 किलोमीटर चला चुका हूँ। और जो MRF जो शोरूम क्लेम करता है कि ये 40,000 किलोमीटर तक जा सकता है टायर, उसी हिसाब से मैंने लिया है। और इसका जो प्राइस मैं आपको बता दूँ, इसका प्राइस जो है 3,500 रुपये में मेरे को टायर पड़ा हुआ है काफ़ी कॉस्टली है मैं जानता हूँ, ये शायद 4-व्हीलर का भी आ जाए इस प्राइस रेंज में, लेकिन मैंने ये लिया है क्योंकि ये रेडियल टायर है, इस वजह से मैंने इसको लिया है। एंड 40,000 किलोमीटर 3,500 मेरे लिए, इसके लिए बहुत वर्थ है चीज़, ठीक है। बात है इसके कॉन्स की तरफ, इसकी जो बुराइयां हैं इस गाड़ी की, जो बहुत बड़े प्रॉब्लम है इस गाड़ी में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसकी तरफ आते हैं अपना, ठीक है। तो इस गाड़ी में मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कंपनी ने दिया है इसको, जो है साड़ी गार्ड एंड जो फुट रेस्ट है लेडीज़ के लिए, पिलियन के लिए जो है,
बहुत ही बेकार दिया था, ये मैंने चेंज कराया है, ठीक है, ये दूसरे गाड़ी का लगाया हुआ है ताकि, और ये मैंने यहाँ पे वेल्ड कर रखा है एंड देन ये यहाँ से स्क्रू से अटैच है। तो ये अब क्या होगा कि कंफर्टेबल है सिटिंग के लिए और साड़ी गार्ड के लिए बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है, इससे कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली सिटिंग में भी। जो प्रीवियस आता था वो क्या था कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कटिंग वगैरह कर रखा है, यहाँ पे एक फ्रेम आती थी जिससे कनेक्टेड रहता था, ठीक है, जो फुट रेस्ट, उससे क्या होता था कि जैसे ये सीट नीचे जाती थी ना उस हिसाब से ये वो जो फुट रेस्ट था वो एक ही जगह पे स्टेबल था, तो सीट नीचे जाने पे क्या होता था कि वो मूवमेंट नहीं करता था, वो एक ही जगह पे रहता था एंड जो पैर हैं पिलियन के वो बेसिकली ऊपर नीचे होते थे क्योंकि फुट रेस्ट का मूवमेंट था ही नहीं कुछ भी एंड बहुत ज़्यादा जर्क भी फील होता था इस वजह से, तो मैंने इसको चेंज करा लिया। सेकेंड प्रॉब्लम ये है इस गाड़ी में, सबसे बड़ी मेरे को लगती है इस गाड़ी के जो है शॉक अब्सर्स, ठीक है, इस गाड़ी के शॉक अब्सर्स जो है दोस्तों मेरे को बहुत ही बेकार लगे क्योंकि जिस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं ना मेरे को लग रहा है इसमें गाड़ी में शॉक अब्सर है ही नहीं, इतना जर्क फील होता है गड्ढों में वगैरह, बहुत तकलीफ देते हैं चीज़, ठीक है। मोनो शॉक अब्सर होने के बाद भी ये मतलब इतना वर्किंग तो मेरे को दे नहीं रहे हैं, जैसे अभी समझो स्कूटी चला रहे हैं अपन, स्कूटी में अगर एक छोटा सा गड्ढा भी आ गया तो वो फील होता है, जर्क फील होता है, भले ही इतना छोटा सा गड्ढा क्यों ना हो वो फील होता है, जर्क फील देता है, तकलीफ़ होती है बैक को। और अगर आप एक घंटे ज़्यादा इस बाइक को यूज़ कर रहे हो ट्रैवलिंग के लिए ना तो फिर आपको बैक पेन फिक्स है, क्योंकि इसका तीसरा मोस्ट बेकार पॉइंट है इसका सेटिंग पोजीशन जो है बहुत बेकार है। अब बेसिकली इसको कंपेयर टू बुलेट बहुत हाइट है इसका, आप शायद वीडियो में देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तो सीट हाइट जो है फ्रेंड्स है ना बहुत तकलीफ़ देती है बैक के लिए, एक घंटे ज़्यादा आप इसे सहन नहीं कर पाओगे, एक घंटे ज़्यादा ना बैक पेन होना ही होना फिक्स है आपके लिए, चाहे आपकी जितनी ज़्यादा हाइट होगी ना उतना तकलीफ़ होगा। मेरे को लगता है ये अराउंड 4.5-5 feet के बंदों के लिए बहुत ही सही है, मेरा अराउंड 6 feet हाइट है तो फिर मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बनी ही नहीं है बाइक सिटिंग पोजिशन के हिसाब से, ठीक है। तो फिर अगर आपकी हाइट 4.5-5 feet है ना तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं, लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ ना ये बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है सिटिंग पोजीशन में। सो दोस्तों मेरे को इस गाड़ी में इतना ये तीन प्रॉब्लम लगा, लेकिन ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है, बहुत तकलीफ़ देने वाली प्रॉब्लम है ये, ठीक है, बॉडी के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है ये चीज़, इसका सेटिंग पोजीशन, इसके शॉक अब्सर्स, इसके फुट रेस्ट का जो पिलियन का सेटिंग पोजीशन है वो भी बहुत ही बेकार है अगर आप शोरूम में देखेंगे तो, ठीक है। एंड बहुत ही मेजर प्रॉब्लम से ये चीज़ जो तीन मैंने बताई आपको, ठीक है, जो मैं फील करता हूँ। इस रिव्यू बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है। तो फिर जो भी है यही है दोस्तों, इसका जो एक्सपीरियंस मैंने 2 साल में लिया है, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में यही था, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें, अगर कुछ आपको क्वेरी है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस बाइक। और दैट्स इट फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।